वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ रिया। तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से लौटी हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बहुत ज्यादा बकबक ना करते हुए सीधा सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो लेट्स चेक द वीडियो। सो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ आप अपने खुद के ही हाथों से कैसे अपने आईब्रोज को ट्रिम कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक जरूरत होगी थ्रेड की। तो मेरे पास ऐसी कुछ एक थ्रेड है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलेगी। तो इस थ्रेड को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बहुत बड़ा सा एक ऐसे करके आपको इसे कट कर देना है। आप देख सकते हैं इसके दो मुंह हैं, तो इसकी और जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे मैं रख देती हूँ। तो ये जो दोनों मुंह है इसको एक नॉट बनाना है ऐसे करके। तो ये फिक्स हो गया और ये एक लॉक हो गया। तो इसको अब क्या करना है, अपने राइट हैंड से इसे घुमाना है, दो तीन या चार पांच बार भी आप घुमा सकते हैं। तो इससे एक ऐसा एक लूप बनता है। तो सबसे पहले आप जब इसे करना स्टार्ट करेंगे तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि इसे अपने हाथों पे या फिर थाई पे ट्राई कीजिए, फिर आप आइए अपने आईब्रोज पे, ताकि आपको एक शेप बनाने का आइडिया मिल जाए। और थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको आईब्रोज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर आपको चाहिए होगी एक सीजर की, जो मेरे पास है ऑलरेडी। और एक चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा आईब्रो का शेप क्या दूँ। तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी फेस ओवल शेप की हो, जिस तरह से मेरी फेस है, तो आप राउंड शेप की आईब्रो ट्राई कर सकते हो। और अगर आपकी फेस राउंड होती है तो आप आर्च जो होती है वो शेप की आईब्रो ट्राई कर सकते हो। तो इसे बनाना भी बहुत ही इजी तरीके से हो सकती है। अगर आप चाहे तो इसे पेन की मार्क करके भी इसे यूज़ कर सकते हो। और फिर चाहिए होगी आपको थोड़ी सी पाउडर की, पर मेरे पास यहाँ पे पाउडर नहीं है, तो मैं अपने कॉम्पैक्ट से ही इसे कर लेती हूँ। तो मैं जो पाउडर है उसे लगा लूँगी सबसे पहले, जिससे मेरा जो एक्स्ट्रा हेयर है वो मुझे देखने को मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, अपने इस लूप को अच्छी तरह से अपने आईब्रोज पे बिठानी होगी। और आपको ध्यान रखना है आपकी हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट ही आपको उसे खींचना होगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरी यहाँ की जो आईब्रो है वो निकल गई है। और इस तरह से आपको पूरा कवर करनी होगी। और आप लोगों को और एक चीज भी ध्यान रखनी होगी कि आईब्रो की जो लेंथ होती है वो ना कट हो जाए, दोनों लेंथ एक ही हाइट की होनी चाहिए, तो इससे आपको आईब्रोज में कोई परेशानी नहीं होती है। और आप सोच रहे होंगे कि नीचे की जो हेयर है वो कैसे निकालूं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये जो आईब्रो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है, पर ये जो है इसे ऐसी तरह से उठा के एक आईब्रो को फिर आपको ये करना होगा। Thank you.
और अगर आपके आईब्रो मेरी जैसी ऐसे थोड़ी सी निकल रही है तो इसके लिए आपको एक सीजर की ज़रूरत होती है। तो इससे इस तरह से खींच के फिर इससे धीरे धीरे से कट कर देनी है ताकि ये प्लेन हो जाए। सो मैं अपनी पूरी आईब्रोज को ट्रिम करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसी होती है ये। हियर इज़ द रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से, और मैंने फोरहेड भी कर लिया है, और कितना नीट एंड क्लीन लग रही हूँ मैं। सो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।